कोरोना महामारी के दौरान मिली राहत के बीच उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट की जानकारी मिली है। यहां के सरकारी अंध विद्यालय के 28 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। एक ही स्कूल के बच्चों को बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्कूल को सैनिटाइज किया गया, साथ ही बाकी बच्चों की जांच कराए जाने की व्यवस्था की गई। बताया गया कि कोरोना विस्फोट का मामला उदयपुर के अम्बा माता स्थित राजकीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय का है। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रशासन एवं चिकित्सा दल के साथ स्कूल पहुंचे। इस विद्यालय के स्टाफ तथा अन्य बच्चों की कोरोना जांच के लिए व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि दो दिन पहले स्कूल की एक शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल प्रशासन ने स्टाफ तथा बच्चों की कोरोना जांच कराने के लिए पत्र लिखा था। गुरुवार को 28 बच्चों के सैंपल लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट सुबह शुक्रवार को मिली। सभी बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय के 11 बच्चे बाहर रहते हैं जबकि अन्य हॉस्टल में रहते हैं। जिन बच्चों के सैंपल गुरुवार को नहीं लिए गए उनकी जांच शुक्रवार को की जाएगी। पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है। स्कूल के स्टाफ को भी कोरोना की जांच कराने के लिए कहा गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।